हेलो पीपल, लॉन्ग टाइम नो सी। आज बहुत दिनों बाद मैं एक रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। बस मन किया कि ये शेयर करूँ। बहुत टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आज मैं आपके साथ ये प्रॉन्स की चाइनीज़ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये गार्लिक प्रॉन्स भी बोल सकते हैं आप इसे, हनी प्रॉन्स भी बोल सकते हैं, या गार्लिक हनी प्रॉन्स, जो नाम देना चाहे। इसमें मैंने प्रॉन्स लिया है, इसे बस आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, अच्छे से धो के, और इसको डीवे नहीं आपको करना है। और बस इसे हम कुछ ज़्यादा मसालों के साथ मैरिनेट नहीं करेंगे, और इसे हार्डली 5 मिनट्स ही मैरिनेट करना है। कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस, बस इन दोनों चीज़ों के साथ इसे कम से कम मैंने अराउंड 5 मिनट्स रखा था। बिकॉज अगर आप ज़्यादा रखते हो ना, तो प्रॉन्स सी फूड ऐसी चीज़ होती है जो कुक होना शुरू हो जाती है। जो भी चीज़ आप इंग्रेडिएंट, जैसे सोया सॉस है, तो उसकी खटास और नमक की वजह से वो पकना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, हल्का सा तेल लेके, और बस एक एक मिनट के करीब इसे बस लाल तक करना है हमें, और ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, क्योंकि बाकी जो पकना होगा वो इसमें कढ़ाई में जो ग्रेवी बनेगी उसमें पक जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सेसमे ऑयल लिया है, और ये फ्रेश रेड चिलीज़ है। आप सूखी मिर्च भी ले सकते हैं, और ये ग्रेटेड गार्लिक है। आप चाहें तो चॉप्ड गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, पर गार्लिक की क्वांटिटी अच्छी रखिएगा। ठीक है, फिर मैंने मेरे पास जो जो सब्ज़ियाँ थी, जैसे मेरे पास स्प्रिंग अनियंस थे थोड़े, तो मैंने इसे मोटा मोटा ही काट लिया है। और आपके पास जो सब्ज़ी हो, जैसे मैंने फ्राइड राइस बनाया तो उसके लिए भी थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, तो इसमें भी मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी को स्टर फ्राई करके ऐड कर लिया। अब स्लरी बना लेंगे। ये मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी का एक पेस्ट बना लिया है, और ये अच्छे से सौते होने के बाद सॉल्ट और थोड़ा सा पिंच ऑफ शुगर मैंने ऐड किया है, जस्ट बिकॉज ये कैरामलाइज हो जाएगा अच्छे से। एंड फिर मैंने अपने पके हुए प्रॉन्स को इसमें ऐड कर दिया। बाकी के सॉसेस सीरियसली वो आपकी चॉइसेस पे है, जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे अगर सोया सॉस और विनेगर हो और केचप हो, तो वो तीन चीज़ भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने विनेगर, सोया सॉस और ये ऑयस्टर सॉस डाला है, थोड़ा सा हनी डाला है। ठीक है, ये सोया सॉस डार्क सोया सॉस है, इसलिए कम ऐड किया है। अगर आपको कलर थोड़ा और चाहिए, क्योंकि मैंने सॉल्ट बहुत कम डाला है, और ये आप भी अगर बनाएंगे तो ध्यान रखिए, कभी भी चाइनीज़ में सोया सॉस में नमक होता है, सो वो हिसाब से ही आप इसमें ऐड करिए। और हम इंडियंस लोग तो हमेशा चखते ही हैं, राइट। सो अब मुझे ग्रेवी वाला चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और गर्म पानी ऐड किया है। ठीक है, गर्म पानी, तेज़ आँच, ये सब चीज़ से आपकी प्रॉन्स को कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब स्लरी इसमें ऐड कर लीजिए, और इसे एक अच्छा सा बॉईल दे दीजिए, और इसे कम से कम 2 मिनट्स, ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन दूर हो जाए। अराउंड 2 मिनट्स इसे हाई आंच पे पकने दीजिए, और हमारी एकदम मस्त वाली तीखी चटपटी, यू नो, खट्टी मीठी वाली प्रॉन्स की चाइनीज डिश रेडी है। आप इसे फ्राइड राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, और इसे एज ए स्टार्टर भी आप कम बिना पानी डाले आपका बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप मैं जल्द ही वापस रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूँगी, एंड सी यू अगेन सून। सो टेक केयर, बाय बाय।